मधेपुरा रुक कर लेते हैं, अमिताभ हमारे साथ बने। अमिताभ, रोम पोप का तो मधेपुरा गोप का 67 से जो लगातार चला आ रहा है फिर दोहराया जाएगा? जी बिल्कुल, देखिए यहाँ का मधेपुरा का एक लंबा इतिहास रहा है और यहाँ पर हमेशा लड़ाई जो रही है यादव बनाम यादव की रही, और इस बार भी वही तस्वीर है यहाँ पे। एक बार जहाँ दिनेश चंद्र यादव जो जेडीयू से दोबारा जो यहाँ पे मौका मिला है उन्हें दोबारा मैदान में है, वहीं दूसरी तरफ प्रोफेसर चंद्रदीप जो यहाँ के पूर्व सांसद आरके रवि के बेटे हैं और पटना में प्रोफेसर हैं, वो यहाँ से मैदान में है। देखिए सुबह से याद मौसम भी यहाँ पर काफ़ी अच्छा किए हुए, इस वजह से हम वोटरों की तादाद भी कर रहे हैं कि वो यहाँ पर काफ़ी बढ़ती जा रही है और सुबह से ही यहाँ वोटरों की अच्छी खासी तादाद यहाँ देखने को मिल रही है। हम सीधे कुछ वोटर से हम बात करते हैं कि इस बार चुनाव है क्या मुद्दा। देखिए सुबह में से ही यहाँ पे काफ़ी लाइन है क्योंकि मौसम बहुत अच्छा किए हुए। कैसा है आज यहाँ पे मौसम भी अच्छा है, मतदाताओं की भीड़ भी दिख रही है? मौसम काफ़ी अच्छा है, मतदाताओं की भीड़ भी है, लोग जागरूक भी हो चुके हैं। अच्छा, इस बार यहाँ मधेपुरा में मुद्दा क्या है? मुद्दा तो यहाँ पे सेम है, इंडस्ट्रीज की कमी है और मतलब इसकी वजह से एम्प्लॉयमेंट की लोगों में भारी कमी देखी जा रही है। एजुकेशन सिस्टम सरकारी बिल्कुल नहीं है। क्या मुद्दा है मधेपुरा का? विकास ही मुद्दा है और क्या। क्या इस बार क्या लग रहा है मधेपुरा में, क्या इस बार जो विकास किया है और उन्हीं को वोट मिल रहा है? चल हो जा शुरू। हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल बोलो जुबान केसरी। इस बार एक आपके सामने नए उम्मीदवार हैं, पुराने जो आपके पास हैं? पुराने जो है वह इस बार जीत हासिल करेगी और क्या। क्या लगता है इस बार क्या मुद्दा है अभी मधेपुरा में? मैंने विकास का मुद्दा है, जिसने विकास किया है उसको वोट मिलेगा, जो नहीं किया नहीं मिलेगा। बिल्कुल, आप बताएं भाई साहब मधेपुरा में मुद्दा क्या है? बेरोजगारी, विकास जिससे किया उसके लिए बेहतर, जो बेरोजगारी हटाए और जितने भी ग्रेजुएशन पढ़े लिखे जो हैं उनको दिया जाए अच्छा रहेगा। एक देखिए चाचा जी भी आए हैं, चाचा इस बार मधेपुरा में मुद्दा क्या है चुनाव का? चुनाव का बहुत सारा मुद्दा है, अब उतना मुद्दा है कौन बताएगा। इस बार आपके पास दो उम्मीदवार, एक जो पहले के हैं वो हैं, एक बार नए जो आए हैं वो? बस पहले वाले ही है। देखिए अब हम आपको कुछ महिला वोटर जो है यहाँ पे, मैं उनसे भी बात करने की कोशिश करते हैं जो यहाँ पे मौजूद है, क्योंकि सुबह से ही यहाँ पे काफ़ी तादाद में यहाँ पे लोग आ भी रहे हैं। इस बार मुद्दा क्या है इस बार चुनाव में? बोलिए चुनाव में किसको देख रही हैं आप लोग? किसको देंगे? अच्छा क्या मुद्दा है, दिमाग में क्या चल रहा है इस बार? आप सब जिसको देंगे उसी को देंगे। जिसको सब देगा उसी को सब दे देते हैं। आप कुछ नहीं सोची मैंने? आप कुछ नहीं सोची है किसको देंगे? मोदी जी हैं, राहुल जी हैं, नए उम्मीदवार हैं, पहले वाले उम्मीदवार हैं? अभी क्या बताएंगे, वो तो बात का गोपन है, वहाँ अंदर जाएंगे जिसको मन होगा। मुद्दा पूछ लीजिए अमिताभ, मुद्दा पूछ लीजिए, वोट मत पूछिए किसको देंगे। क्या मुद्दा, क्या मुद्दा क्या है इस बार? क्या मैंने क्या सोच के आई है कुछ वोट? मैं तो पहली बार आई हूँ। पहली बार वोट दे रही हैं? अच्छा, तो क्या कुछ मुद्दा सोची है कि किस क्या सोच के दे रही हैं? मोदी सरकार। चलिए देखिए यहाँ पे महिलाएं खुल के बोलने को तैयार नहीं, लेकिन कुछ और, चूँकि यहाँ पे 5 बूथ है यहाँ पे और वहाँ पे लगातार सुबह से ही हम यहाँ देख रहे थे कि काफ़ी यहाँ पे है, चूँकि आज देखिए जो पिछले 2 चरण जो यहाँ पे हुए थे मौसम की वजह से वोटिंग परसेंटेज काफ़ी जम था, लेकिन आज का जो मौसम है यहाँ काफ़ी अच्छा है। इस बार क्या मधेपुरा में क्या मुद्दा है? मुद्दा है विकास का मुद्दा है बस, और क्या चाहिए? मधेपुरा में 2 उम्मीदवार हैं, एक नए हैं पुराने वाले। हाँ विकास का मुद्दा है, जो विकास करेंगे बस उन्हीं को पोलिंग होगा, उन्हीं को दिया जाएगा। आप बैद्यनाथ शर्मा? नहीं, नाम हमने पूछा, मुद्दा क्या है इस बार? विकास की मुद्दा है। विकास मुद्दा है यार। आप बताइए। विकास ही मुद्दा है। देखिए विकास मुद्दा है, देखिए आप वोट देने आई हैं, क्या आप दिमाग में है, क्या मुद्दा सोच के आई है? विकास का मुद्दा, जो अच्छे करेंगे उन्हीं को वोट देना है।
जिनका विकास अभी हो रहा है तो वोट तो उन्हीं को पड़ेगा। चलिए देखिए, साफ तौर पर विकास का मुद्दा है यहाँ पे। और आपको बता दें कि यहाँ एक तरफ जहाँ जेडीयू से पुराने उम्मीदवार हैं और वहीं आरजेडी ने इस बार नए उम्मीदवार को मैदान में उतारा है, जो प्रोफेसर हैं और पहले पूर्व सांसद यहाँ के रहे हैं, उनके बेटे हैं। और इसके बाद ये इलाका जो है काफ़ी बाढ़ प्रभावित भी इलाका रहा है, काफ़ी यहाँ पर कोसी का बेल्ट कहा जाता है। लेकिन आज जिस तरीके से यहाँ मतदाताओं की भीड़ जो उमड़ रही है, उससे तो मुझे लगता है कि आज का जो रिकॉर्ड है वो जरूर टूटेगा। पिछली बार एक विकास कहाँ है, तो विकास गायब है। कैंपेनिंग में ये खूब चला था, अब यहाँ पर लोगों ने विकास मुद्दा है ये रटा हुआ है, सभी विकास मुद्दा है, उसी विकास को ढूंढ रहे हैं। बहरहाल अब आगे बढ़ते हैं। बिल्कुल, यादव लैंड ऑफ बिहार, इस पर हमारी नजर रहेगी। मधेपुरा भी एक हॉट सीट है। अमिताभ लौट रहे हैं आपके पास।